Today we will discuss about a new topic in farm and function in plants, that is the chapter 10 as we have started. So our today topic is about the adaptation of plants to a low and high temperature. कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं हाई टेम्परेचर रेंज में है, हाई टेम्परेचर रीजन में है और लो टेम्परेचर रीजन में है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। चूंकि दोनों एनवायरनमेंट जो है वो उसके लिए डेंजरस होंगे, लो भी ठीक नहीं है और हाई भी ठीक नहीं है। आपको पहले भी कहा है एवरी एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम लेवल, कि अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तब भी ठीक नहीं है, अगर कम हो जाए तब भी ठीक नहीं है। तो टेम्परेचर तो बहरहाल वहां पे हाई है और लो है, तो प्लांट्स ने ऐसा किया है कि उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। दे हैव अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट, एज वी आवरसेल्फ अडॉप्ट टू अ न्यू एनवायरमेंट, जैसे हम ही अडॉप्ट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट इटसेल्फ। न्यू एरिया में चले जाए, न्यू रीजन में चले जाए, नए लोग होते हैं, नए काम है वहाँ पे, न्यू सेटअप्स है, सो उसी के मुताबिक हम अपने आप को भी चेंज करवाते हैं। सो यहाँ पर भी हमारे पास टुडे टॉपिक है एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर द लो टेम्परेचर प्लांट्स, उसमें जो रीजन है उसमें प्रॉब्लम्स क्या होंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे लो टेम्परेचर, ठीक है। अब लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स को अब प्रॉब्लम्स क्या है, पहले हम प्रॉब्लम्स लिखेंगे, उसके बाद उसकी एडाप्टेशन लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो इसको प्रॉब्लम है That is slow metabolism rate. Slow metabolism. ठीक है। Second जो problem होगी इसको, that is ice crystal formation. ये बहुत ज्यादा dangerous problem है इसको, ice crystal formation. जो प्रॉब्लम होगी इनको, दैट इज अच्छा स्लो मेटाबॉलिज्म, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है, ठीक है। यहां पे तो हमारे पास इसकी ये मेन प्रॉब्लम्स हो गए, सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले हो गए, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल वाली बात, इसमें हमारे पास कितने मेन प्रॉब्लम्स है, That is slow metabolism rate है, ice crystal formation है, life cycle वाले problem आ सकते हैं इसको, ठीक है। और L effect, ये भी चलो एक लिख ले, L effect, so main यहाँ पे जो problem है इसको, that is slow metabolism rate, तो मैंने आपको पहले भी कहा every activity will be maximum at optimum level. अब हमारे पास three ranges हैं, ख्वाह वो pH के लिए हो, temperature के लिए हो, concentration के लिए हो, जिस चीज के लिए भी हो उसका optimum level लाजमी है वहाँ पे for the maximum activity. अब temperature यहाँ पे कम है, that's why the metabolism rate जो है वो slow down हुआ, और आपको पता है metabolism, अगर metabolism नहीं है तो life ही नहीं है, metabolism is a life process. ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, बहुत आधा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है इसमें। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, पानी है, वाटर है, आपको पता है द वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, जब ये एक्सपेंड हो जाएगा उनसे क्रिस्टल बन जाएगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, एंड जब इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी सो इट विल डैमेज द सेल, दैट इज कॉल्ड द सेल इंजरी, क्या बोलेंगे सेल इंजरी, क्योंकि ये एक्सपेंड हो जाएंगे ऐसे, सो दैट्स व्हाई उसकी जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं और उसका जो प्रोटेक्शन है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे इंजरी हो जाएंगे। तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से क्या होंगे उसमें, दैट इज द सेल इंजरी, ये होंगे इसमें। लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल दैट इज द रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ये भी मस्ट है फॉर द सस्टेनिंग ऑफ लाइफ।
तो इस वजह से इसका लाइफ साइकिल भी दूसरों से चेंज होगा। क्यों होगा? ये अपने आप को उसी मुताबिक अडाप्ट करेंगे, वो मैं आपको अडाप्टेशन में पढ़ाता हूँ। इन इफेक्ट तो ये खुद बहुत बीमार हो जाएंगे, मतलब कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिज्म स्लो है, आइस क्रिस्टल हो गए, लाइफ साइकिल भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कौन सा इफेक्ट होगा? इल इफेक्ट होगा। अभी तो हमारे पास हो गए इसके प्रॉब्लम, अब मैं यहाँ पे दूसरे साइड पे इसके लिखता हूं अडाप्टेशन। अडाप्टेशन टू अ लॉ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के लिए अडाप्टेशन किया है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा डेवलपमेंट ऑफ थिक बार्क। मैं इसको शार्टली रिड्यूस यहां पे रिजेंबल, दैट इज जैकेट, ये मैंने जस्ट रिजेंबल दिया है, ठीक है। ये अब एक्सप्लेन करेंगे ये पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ थिक बार्क। सेकंड यहां पे है सॉल्यूट कंसंट्रेशन चेंज, सॉल्यूट कंसंट्रेशन चेंज इन सिल। चलो इन साइटोप्लाज्म, एक ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। थर्ड इसमें रिड्यूस आर शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। थर्ड के बाद हमारे पास है फोर्थ, दैट इज रिडक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन रेट, ठीक है, रिडक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन रेट। फोर्थ में इसमें लिखूंगा हार्डनेस, फोर्थ एंड देन नाउ द फिफ्थ नंबर हार्डनेस, इट इज स्टेम एंड लीव्स। अच्छा ये तो हमने ये यहाँ पे डिस्कस कर लिए, अब इसी के लिए हमारे पास इसमें क्या आए हैं, अडाप्टेशंस भी आए हैं। अडाप्टेशन इसमें सबसे पहले ये है कि जिस तरह ठंड वाला मौसम आता है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको रिजेंबल दे दिया विद अ जैकेट, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या है कि ये एक जैकेट पहनते हैं, मतलब इस पे एक थिक बार्क डेवलप है, जो हमारे पास माउंटेनियस एरियाज वाले और कूल्ड एरिया वाले, ठीक है, जो कूल्ड एरिया वाले तो मोस्टली माउंटेनियस एरियाज है, ठीक है। हमारे पास कुछ कूल्ड डेजर्ट्स भी है, सो फॉर एग्जाम्पल स्कर्दू एरिया में, और भी है दुनिया में, मैंने यहां पे सिर्फ पाकिस्तान की एग्जाम्पल है, स्कर्दू एरिया में भी कूल्ड डेजर्ट भी है। So, यहां पे जो कूल्ड एरिया वाले प्लांट्स है तो उसमें क्या है, उसमें अडाप्टेशन ये आई है कि वहां पे एक थिक जैकेट डेवलप हुआ है, नेचुरली उस पे एक कोट बन गया है। सो यहां पे क्या है कि इट विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ लो टेम्परेचर, चूंकि आजकल जो मौसम गर्म है तो हम कोट नहीं पहनते हैं, ठीक है। जब मौसम वापस ठंड हो जाए तो हम वापस कोट पहन लेंगे, गर्म कपड़े पहन लेंगे। सो दैट इज इसमें ये अडैप्टेशन आ गया, कितने बार डेवलप हो गया है। सेकंड बात इसमें ये है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसके जो हमारे पास इनसाइड पोटाशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, जितनी भी आयंस है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे जो एरिया वाले रीजन वाले प्लांट्स है, उसके सेल्स है, साइटोप्लाज्म है,
ऑन सिर डेफर है क्योंकि सल्यूट कंसंट्रेशन मैटर करता है वहां पे। इस सल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से जो चेंज है इसका, तो इसमें ये चेंजेस आ गए कि वहां पे अब क्रिस्टल नहीं बनेंगे। सो ये एडाप्टेशन किस चीज के लिए है, यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट लिखा भी है, दैट इज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो इसके लिए एडाप्टेशन हो गई कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, ठीक है, तो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, दैट्स व्हाई द सेल विल नॉट बी इंजरीड। तो ये भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रिड्यूस या शॉर्ट लाइफ साइकिल, आप देखिए मैंने यहाँ पे लाइफ साइकिल लिखा है क्योंकि इसका आपको पता है हमारे पास जो स्प्रिंग सीजन है, जो इसका सूटेबल एनवायरनमेंट है फॉर द रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग सीजन। तो इसका स्प्रिंग सीजन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जस्ट फॉर 1 or 2 months, ठीक है, और फिर जो 10 months है या 9 months है वो वहां पे क्या है, ठंड है, मौसम जो है वो चेंज है, ठंड ज्यादा है, इस वजह से इन्होंने अपने लाइफ साइकिल्स को रिड्यूस किया है जस्ट फॉर 1 or 2 months और इनसे भी कम पीरियड के लिए। सो ये भी एक अडैप्टेशन हो गई कि इसकी जितनी भी लाइफ साइकिल की एक्टिविटी है दैट शुड बी कंप्लीटेड जस्ट इन दैट स्पेसिफिक टाइम, दैट इज 1 week, 2 week, 3 week, 1 month, जो भी है, बट दैट इज रिड्यूस, कम है एज कंपेयर टू द अदर एरियाज प्लांट्स। Fourth number, reductions of transpiration. You know, loss of water from the aerial surface of the plant body produce the cooling effect. As from our body, the loss of water occurs, that is the sweating. So it produce cooling effect on our body. Such an effect is created in the plant's body also by the transpiration process. अब वो तो already cool है, समझ आती है बेटा, वो तो ऑलरेडी कोल्ड एरिया में है तो उसके लिए कूलनेस नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाएगा, उसमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगी, तो इस वजह से लॉस ऑफ वाटर कम है, लॉस ऑफ वाटर कम है तो कूलिंग इफेक्ट कम है वहां पे। So, ये भी एक एडाप्टेशन हो गई, दैट्स व्हाई द लीव्स आर नीडल लाइक मोस्टली, जो नीडल्स लाइक है, फॉर एग्जाम्पल पाइनस है, सेडार है, जो सिट्रस देवदारा है, एबीज है, एटसेट्रा, तो ये डिफरेंट प्लांट्स है, आप देखिए उसकी जो लीफ है वो एलांगेटेड होंगे, वो नीडल्स लाइक होंगे, दैट्स व्हाई नीडल्स है एंड दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप देखिए दोनों के सरफेस एरिया में डिफरेंस है, यहां से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगी, यहां से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। So, ये भी एक हो गया। सेकंड इसमें हार्डनेस है, वो हार्ड होने चाहिए, ऐसे ना हो कि सॉफ्ट हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि एनवायरमेंट हार्श है, सो दैट्स व्हाई दे शुड बी हार्ड। तो हार्ड कौन से पार्ट्स होने चाहिए, द स्टेम एंड लीव्स, लीव्स और स्टेम उसके हार्ड होने चाहिए। सी कुछ एडाप्टेशंस थे कि ये इसी एनवायरमेंट के मुताबिक जो इसमें प्रॉब्लम थी उसी की वजह से आए हैं, दैट इज फॉर द कूल, जो कूल एरिया में है, लो टेम्परेचर रीजन में है, ठीक है, एग्जाम्पल भी कुछ कह रही, फॉर एग्जाम्पल पाइनस है, सिडार है, एबीज है, ठीक है, ये हमारे पास टेक्सस बकेटा है, एटसेट्रा, दीज आर द डिफरेंट प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लो टेम्परेचर रीजन। चलो अब हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर और ये इसके हो गए एडाप्टेशन टू हाई, ठीक है। अच्छा मैंने आपको इनसे पहले कहा एवरी एक्टिविटी विल बी मैक्सिमम एट ऑप्टिमम लेवल, तो टेम्परेचर कम होता है तब भी ठीक नहीं है, हाई है तब भी ठीक नहीं है, दोनों में स्लो डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो मैं सबसे पहले यहां पर भी लिखूंगा, जो सबसे पहले वाली प्रॉब्लम यहां पे होगी, दैट विल बी स्लो मेटाबॉलिज्म, ये तो होगी, ठीक है, स्लो एक्टिविटीज है। सेकंड यहां पे हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, इट इज स्पेसिफिकली एंजाइम्स, क्या चीज है बेटा, स्पेसिफिकली एंजाइम
वी नो प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स बनाते हैं एंड ऑल लाइफ जितनी भी ऑर्गेनिज्म है दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन एंजाइम विदाउट द एंजाइम बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल ठीक है सो यहाँ पे अगर एंजाइम खत्म हो गए तो इसका मतलब है सब कुछ खत्म हुआ बायोलॉजिकल वर्ल्ड ही खत्म हो गया तो मेन हमारे पास क्या है सोमेटाबॉलिज्म है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स है और उसी में आपको लिख दिया दैट इज द एंजाइम्स है अब इसी को एडाप्ट करने के लिए इसमें चेंजेस क्या आए हैं सो एडाप्टेशन टू अ हाई टेम्परेचर सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे ठीक है क्योंकि आपको पता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो सो इसको ए भी है चलो ये भी एक थर्ड नंबर लिख ले हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ठीक है टेम्परेचर ज्यादा है लॉस ऑफ वाटर सर्फेसिस ज्यादा हो रही है तो ये भी एक प्रॉब्लम में आया है कि हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन दे फेस द हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सो दैट इज इनडायरेक्टली दैट इज द वाटर लॉस ठीक है सो अब पानी ज्यादा खारिज हो रहा है ठीक है दैट इज इवेपोरेट हो रहा है तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी से भी अगर पानी ज्यादा रिलीज हो रहा है मैं मतलब इवेपोरेट हो रहा है तो हमें क्या चाहिए कि वी शुड टेक आर ड्रिंक मोर वाटर कि हम इंटेक ज्यादा ले लें पानी के इसी बिना पे क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है लॉस ऑफ वाटर वाली तो ये भी यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक इसके लिए सोल्यूशन ये है कि द प्लांट्स विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल हाउ एब्जॉर्ब वो आपको बता देते हैं ठीक है सो पहला वाला इसका एडाप्टेशन है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम वाटर कि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया जाए अब कैसे सो मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं इन शॉर्ट रेनी सीजन अच्छा एक बात और भी यहां पे कि यहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा कम होते हैं फॉर एग्जांपल डिजर्ट्स ठीक है उत्तर है चोलिस्तान है राजस्थान है ठीक है या सहारा डेजर्ट है जो भी है तो यहाँ पे क्या है देयर इज अ शॉर्ट रेनी सीजन तो प्लांट्स में ऐसे अडॉप्टेशन हुए हैं कि चूंकि उसके लिए शॉर्ट रेनी सीजन है सो दे शुड रैपिडली एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन शॉर्ट रेनी सीजन दे शुड एब्जॉर्ब मोर वाटर हाउ क्योंकि उसमें फिर एक सिस्टम भी डेवलप हुआ है मैं अब वो नीचे लिखता हूं एब्जॉर्ब दैट इज डेवलप अ ब्रांचिंग रूट सिस्टम डेवलप अ ब्रांचिंग रूट सिस्टम in these plants in plants mein highly branching root system hai iska fayda kya hai ab aap dekhe yahan pe let's suppose ye hai theek hai to yahan pe iski let's suppose sirf aap le le 5 roots branch hai kitni hai let's suppose 1 hai 5 hai 1 2 3 4 5 kitne branches hai 5 hai अगर मैं यहाँ पे दूसरा प्लांट यहाँ पे बना दू और उसमें 20 ब्रांचेस बना दू तो अब आप सोचे इस पे कि 5 वाला ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा या जो 20 ब्रांचेस वाला है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा डेफिनेटली बात है कि जो 20 वाला है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज दे हैव मोर सरफेस एरिया उसके साथ एरिया ज्यादा है इस वजह से दे विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर ठीक है तो ये वाला है
एक तो रूट सिस्टम हुआ, एक डीप रूटिंग सिस्टम भी है कि वो डीप चला जाता है। ठीक है, सेकंड में अब रूट में एक और लिख लू जो थर्ड वन है, दैट इज डीप रूट सिस्टम। ब्रांचिंग भी है और कुछ में क्या है, डीप रूटिंग सिस्टम है। ठीक है, कि वो डाउनवर्ड भी ज्यादा नीचे चले जाते हैं कि जहां पर भी वाटर टेबल मौजूद है, दे विल एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम देयर। सो दिस इज अनदर एडाप्टेशन इन द रूट्स। यहां पे जो एडाप्टेशन, ये एब्जॉर्प्शन वाली बात है, आपको क्लियर कट पता है कि एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू है, थ्रू रूट है। तो ये सब एडाप्टेशन किस में है, दैट इज इन द रूट में है। ठीक है, यहां पे एडाप्टेशन बाकी जो इसके स्टेप्स है एडाप्टेशन वाले, वो यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे क्योंकि मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा था, आप सोचे उस पे, मैंने उसमें लिखा था हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो अब हमें इसको रिड्यूस करवाना है, वो लिखेंगे यहां पे। सो नेक्स्ट एडाप्टेशन ये कितने हो गए, 1 2 3, अब फोक नंबर रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एवापोरेशन एंड प्लस ट्रांसपायरेशन। आप देखें मैंने दो वर्ड्स लिख दिए, एवापोरेशन भी लिख दिया, ट्रांसपायरेशन भी लिख दिया, क्योंकि दोनों का मेन जो डिफिनेशन है दैट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, लेकिन बॉडी ऑफ डिफरेंट है। ठीक है, ये ओपन एरिया है, ओपन सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड है, सॉइल है, जो फील्ड है, ओपन एरिया से जब लॉस ऑफ वाटर हो जाए दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन, लेकिन जब वो प्लांट बॉडी से हो जाए दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, जब हमारी बॉडी से एनिमल बॉडी से हो जाए दैट इज कॉल्ड परस्पायरेशन। सो ये थ्री कैटेगरीज हो गए यहाँ पे, लॉस ऑफ वाटर ये तीनों है लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका अलग अलग है। ठीक है, सो रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, अब इसी के लिए एडाप्टेशन क्या है। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा इन लीव्स, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन लीव्स, लीव्स में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो उसी में आप यहां पे मैं अब लिख दूंगा, सबसे पहले इसमें ठीक है सनकन स्टोमेटा, एक तो ये होगा। ठीक है, सेकंड ये है कि हमारे पास थिक क्यूटिकल प्लस एडिशनल वैक्सिलियर। ठीक है, ये हुआ दूसरा। अब यहां पे है इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या है, साइज रिड्यूस, साइज रिड्यूस दैट इज लुक लाइक स्पाइन। या इन सम बुक दे हैव राइट दैट इज द लीव्स आर चेंज टू स्पाइंस, या लुक लाइक स्पाइन जैसे दिखाई देते हैं, मतलब इसकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए। तो आप देखिए अब यहां पे लीव्स में ये वाले चेंजेस आ गए, एक तो स्टोमेटा उसका संकन है, सरफेस पे नहीं है। तो आप देखिए अगर लाइट डायरेक्टली आ रही है किसी सरफेस पे, हमारे पास जो यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स वाले हैं उन्हीं में जो स्टोमेटा है वो बिल्कुल सरफेस पे होता है, तो डायरेक्टली स्ट्राइक ऑफ लाइट आती है। सो अगर लाइट डायरेक्टली स्ट्राइक करता है किसी सरफेस को तो उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, या उस पर हीट इफेक्ट ज्यादा होगा, या टेम्परेचर का, या कोई बंदा है या कोई चीज है वो इनसाइड छुपी हुई है, तो डेफिनेटली बात है। अब आप ऑब्जर्व करें, आप डायरेक्टली सनलाइट में चले जाए और आप कमरे में बैठे हो तो इफेक्ट किसका चेंज होगा, बाहर वाले का या अंदर वाले का, परस्पायरेशन रेट आपसे इनसाइड ज्यादा है या आउटसाइड, डेफिनेटली आउटसाइड, दैट इज डायरेक्टली स्ट्राइक योर बॉडी, दैट इज डायरेक्टली स्ट्राइक द सरफेस।
तो सेम मैकेनिज्म इज हेयर कि द स्टोमेटा इज संकन, वो छुपा हुआ है, दबा हुआ है, इस वजह से वहां से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगी। ठीक है, थिक क्यूटिकल है, यू नो क्यूटिकल इज अ वैक्स, इज अ लिपिड्स एंड देयर इज अ लेस इंटरेक्शन आर इन सम दैट इज देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद द लिपिड्स। ठीक है, एक क्लास है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो वैक्सी लेयर, तो एक तो थिक क्यूटिकल है जो क्यूटेन वाला है, क्यूटिकल है, दूसरा उस पे एडिशनल वैक्स लेयर भी मौजूद है, तो इसका मतलब है वहां पे अब डबल लेयर्स आ गए। दैट्स व्हाई देयर इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पार्ट्स दैट इज फ्रॉम द लीव्स, सो दैट्स व्हाई द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी रिड्यूस्ड। फिर यहाँ पे साइज की बात भी आ गई, मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर दिया कि सरफेस एरिया कम हुआ, सो लुक लाइक स्पाइंस या चेंज टू स्पाइंस, एक ही बात है। ठीक है, ये सब एडाप्टेशन हो गए हमारे पास रिडक्शन या रिड्यूस रेट ऑफ एवापोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन वाली फ्रॉम द लीव्स वाली बात हो, किस पे, स्टेम पे, तो स्टेम में क्या एडाप्टेशन हो गई है, स्टेम में हमारे पास एक स्पेशल एडाप्टेशन है, स्टेम इज सकुलेंट, स्टेम इज सकुलेंट, दैट इज फ्रेशी आ जूसी, मतलब ये मोटा सा हो गया है। अब मोटापा तो ऐसे नहीं आता बेटा, अगर हम मोटे होते हैं तो इसका मतलब है वी हैव मोर फैट्स, द फैट्स आर डिपॉजिटेड देयर, किसी चीज की वजह से वहां पे थिकनेस आएगी, मोटापा आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी जो स्टेम है वो सकुलेंट है, मोटा हो गया है, ऐसे बल्जी है, क्यों है, दिस इज बिकॉज इट स्टोर, ये मेन पॉइंट है, स्टोर मोर वाटर in large central vacuole। आपको पता है प्लांट सेल में सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है inside that is the vacuole, और उसी vacuole ने जो साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट है वो कवर किया है। तो यहां पे क्या है कि यहां पे ज्यादा पानी स्टोर हो जाते हैं फॉर द फ्यूचर, ठीक है, कि बाद में ये यूज करेंगे, जिस तरह एनिमल में कैमल की बॉडी में जो हम्प है वहां पे स्टोर होता है, वहां पे स्पेशल सेल्स है, स्टोरिंग सेल्स है, तो यहां पर भी स्टिम्स में पानी जमा हुआ है और उसी की वजह से वो ऐसा थोड़ा सा फ्लिशी जूसी दिखाई दे। फॉर एग्जांपल ओपंचिया, ओपंचिया स्टिम आपने देखा होगा, वो फ्लिशी और जूसी दिखाई देता है। तो ये हमारे पास हो गए अबाउट द स्टेम, तो लीव्स वाली भी कर ली, स्टेम वाली भी कर ली, ये हमारे पास हो गए ट्रांसपायरेशन। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है दैट इज द एवापोरेशन, तो एवापोरेशन होगी फ्रॉम द सॉइल, एवापोरेशन कहां से होगी, अब ये यहाँ पे थर्ड नंबर लेके एवापोरेशन, ठीक है, सो एवापोरेशन को क्या करवाना है, रिड्यूस करवाना है। तो अब यहां पे ये कैसे रिड्यूस किया है, दैट इज द प्लांट्स डेवलप कैनोपी, एक छत छप्पर, ठीक है, जो प्लांट्स है ये क्या करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉइल, ठीक है, तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब जो लीव्स वाला है, वो ऐसे एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है, सो दे एक्सपेंड ओवर, जो इसका अपर पोर्शन है वो एक्सपेंड हो जाएगा, वो एक छत बना देगा, एक छाता बना देगा, एक छतरी बना देता है वहां पे। सो आप देखिए यहाँ पे इसने छतरी बनाई है और नीचे जितना भी ये सॉइल है, ठीक है, और इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्ट है,
आप यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ते हैं इसी सॉइल्स पे, दैट्स व्हाई द रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी रिड्यूस्ड देयर। सो दिस इज एडाप्टेशन टू द एवापोरेशन हो गई। मैंने जितनी भी पॉइंट्स वहां पे लिखे थे वो सब यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। के यहाँ पे क्या है, मैंने ट्रांसपायरेशन भी लिखा था और एवापोरेशन, बाकी जितनी भी है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। तो ये कुछ अडाप्टेशंस थे इन द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द लो एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू।